किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि हर साल कर्मों के अनुसार फल मिलती है, किस्मत का तो पता नहीं लेकिन मेहनत से सब मिलती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक कुमार, आपका स्वागत करता हूं अपने आरजीएम यूट्यूब क्लासेज में। दोस्तों, जो आज है वो हमारा रीजनिंग का पार्ट नंबर 2 है, जिसका हमने पिछले रीजनिंग पार्ट 1 में कराया था, यानी त्रिभुजों को गिनना, जिसका हमने टाइप नंबर 4 तक से बता दिया था और उसके आगे हम लोग टाइप 5 देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि आपको वीडियो हमारी अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, तथा यदि आपको हमारे चैनल पर नए होंगे तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमारे यहाँ पे टाइप 5 क्या चीज का था, हालांकि हम थोड़ा सा आपको पीछे का याद दिला दें। देखिए, हमने पिछला यानी टाइप 4 में पढ़ा था कि इस टाइप से यदि दिया हुआ रहा है क्वेश्चन वहां पे, तो यदि पूछ दे कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी तो हम उस समय निकाल सकते थे। देखिए, थोड़ा सा हम लास्ट क्वेश्चन आपको याद दिलाते हैं। देखिए, जब भी कोई एक त्रिभुज दिया हुआ हो और त्रिभुज के अंदर भी त्रिभुज हो, वैसे स्थिति में वहां पे आप थोड़ा सा एक ध्यान गौर कीजिए कि मान लीजिए यह त्रिभुज दिया हुआ है, इसके अंदर जो त्रिभुज बन रहा है वह यदि सभी भुजा को संपर्क करेगा, यानी बड़ी वाली त्रिभुज का सभी भुजा को संपर्क करेगा। जैसे देखिए, ये यहाँ पे किया है, यहाँ पे किया है, यहाँ पे किया, मतलब सभी जगह करे, तो अंदर वाले त्रिभुज से जो है हम एकदम ऑलरेडी जानते हैं कि हमारा 4 त्रिभुज का निर्माण होगा। कैसे होगा, देखिए, एक ये हो गया त्रिभुज, 2, 3 और एक खुद 4, 4 त्रिभुज अंदर से होगा और एक टोटल बड़ा, यानी 4+1=, इसमें त्रिभुजों की संख्या हमारी 5 हो जाएगी। लेकिन देखिए, इसके अंदर भी यदि 2 रहता, मान लीजिए यदि इस टाइप से दे देता तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, ये भी सभी भुजा को संपर्क कर रही है, यानी अपने से बड़ी त्रिभुज की, तो इससे भी 4 बन जाएगा, ये छोटा वाला से भी 4 बनेगा, ये जो इसके बाद ये जो है इससे भी 4 बनेगा, 4+4=8 हो गया और एक खुद बड़ी भुजा। देखिए, गिन लीजिए, देखिए 1, 2, 3 और 1, 4, 5, 6, 7 और एक यहां तक बड़ी त्रिभुज 8 और एक टोटल त्रिभुज 9, यानी देखिए अंदर वाले से भी 4 बना, सबसे छोटा से 4 बना, फिर उससे बड़ा वाला से 4 बना और फिर सबसे बड़ा वाला से 1 बनेगा, यानी टोटल हमारा हो गया इसमें भी 4+4+1=9। चलिए दोस्तों, ये तो हम लोग पिछले वीडियो में देख ही चुके थे, लेकिन देखिए आगे एक पैटर्न, एक क्वेश्चन का चेंज करते हैं थोड़ा सा हम लोग। देखिए क्या चीज करेगा आगे, आपका किस टाइप से क्वेश्चन आएगा, मान लीजिए ऐसे दे दिया और ऐसे दे दिया, ठीक है। अब देखिए, यदि इसको मिला दे, इसको मिला दे और इसको मिला दे, तो पूछ देगा कि इसमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो फिर आप लोग कैसे कीजिएगा। देखिए कुछ नहीं, एकदम सिंपल है, घबराए वहां पे हड़बड़ाना नहीं है, घबराइएगा मत। देखिए, कुछ समय के लिए आप भूल जाइए कि ये सब लाइन भी है, केवल मान लीजिए आप इस टाइप से फिगर का यहां पे अपने मन में मतलब कीजिए, चिंतन कीजिए, बस केवल इतना, ये लाइन जो है इसको भूल जाना है, भूल गए हम, बताइए इसमें कितना त्रिभुज बनेगा। तो अस्पष्ट सी बात है, अभी भी हम बताए थे कि यदि अंदर वाला भुजा देखिए सभी को छू ही रहा है, इससे 4 बन जाएगा और एक टोटल, यानी अभी तक 5 बना है, तो कुछ नहीं किया है, 5 अभी तक बना है, इसमें यहां से एक खींच दिया है, यहां से खींचा दोस्तों, तो कितना त्रिभुज का निर्माण हुआ यहां पर, तो एक एक और एक एक, यानी 2 त्रिभुज यहां से बना। फिर देखिए, 2 यहां से यही ना किया, यहां से मिला दिया है, तो 2 त्रिभुज यहां से भी बना +2। अब देखिए यहां पर भी यही काम किया है, मिला दिया है यहां से +2, 5, 2, 7, 2, 9, 2, 11, यानी इसमें त्रिभुजों की संख्या हमारी 11 हो जाएगी। अब बोलिए कैसे, देखिए इसको यदि देखना है तो आप एक त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3, 4, 5, 6, यानी 6 हो गया, ठीक है, 6 त्रिभुज हो गया और एक त्रिभुज देखिए ये पूरा, यानी +1, यानी हाँ +1, 7 हो गया, एक त्रिभुज यहां से यहां यहां 8 हो गया, मतलब एक यहां पर भी हो गया, एक त्रिभुज यहां से यहां यहां, यानी ये पूरा त्रिभुज, ये पूरा त्रिभुज हो गया, यानी +1 हो गया, एक त्रिभुज हमारा ऊपर हो गया, +1 हो गया, 6, 1, 7, 8, 9, 10 और एक जो है ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज हो गया,
यानी टोटल त्रिभुजों की संख्या हमारा 11 हो गया। लेकिन कंपटीशन का जब भी आप एग्जाम दीजिएगा वहां पे आपके पास टाइम नहीं रहेगा और वैसे स्थिति में आपको थोड़ा सा समझना ही पड़ेगा, मतलब कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए और वहां पे स्ट्रक्चर क्वेश्चन आए तो उसको आप आसानी से हल कर लीजिए। देखिए आगे एक और क्वेश्चन हम इसी में बता रहे हैं, देखिए आगे क्वेश्चन क्या किया है। कुछ नहीं किया है, देखिए यहां से ऐसे मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा आपका ऐसे, और यहां से ऐसे, और ये आपका दे देगा देखिए ऐसे। अब आपको से पूछ देगा इसको ऐसे मिला देगा, इसको भी मिला देगा और इसको भी मिला देगा। अब आपसे पूछ देगा कि इसमें त्रिभुजों की संख्या बताइए। तो देखिए कुछ नहीं करना है, सबसे पहले ले आपके नो सिंपल मेथड से जो पीछे बताए हैं, मान लीजिए कि ये सब है ही नहीं, चलिए अलग बताते हैं इसको। मान लीजिए ये लाइन नहीं रहेगा, ये लाइन नहीं रहेगा, ये लाइन नहीं रहेगा, कैसा बनेगा आकृति आपका? इसी टाइप से ना बनेगा। मान लीजिए ये लाइन नहीं रहेगा, ये लाइन नहीं रहेगा, ये लाइन नहीं रहेगा, तो देखिए आप पहले देख लीजिए, आप पहले सिंपल में देख लीजिए इतना में कितना पीछे समझाया हुआ है। इस टाइप से जब भी आएगा, हम अभी भी शुरुआत में ही बोले हैं कि जब भी कोई त्रिभुज के अंदर त्रिभुज हो, और मान लीजिए सबसे बड़ी हो गया हमारा, सबसे बड़ा यहां से यहां तक हो गया, उसके अंदर एक त्रिभुज है, ये देखिए ये त्रिभुज यहां देखिए है, ये भी सभी भुजा को स्पर्श कर रही है अपने से बड़ी वाली त्रिभुज को, लेकिन इस त्रिभुज के अंदर भी एक त्रिभुज है, ये भी देखिए सभी भुजा को स्पर्श कर रही है, तो इससे भी चार बनेगा, सबसे छोटा वाला से चार बनेगा, फिर उसके बाद इससे भी चार बनेगा, उसके बाद एक बनेगा, यानी अभी तक कितना हमारा त्रिभुज हो चुका है दोस्तों, चार चार आठ एक नौ। अब देखिए किया कुछ नहीं है, यहां से ऐसे मिला दिया है नौ, ये मिला दिया तो हमको एक और एक दो त्रिभुज का निर्माण हुआ। फिर यहां से भी वही चीज किया है, यहां से मिला दिया प्लस दो, फिर यहां से भी वही चीज कर दिया है प्लस दो, नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह त्रिभुज टोटल हमारे इसका सही आंसर हो गया। देखिए दोस्तों उम्मीद करते हैं, देखिए इस टाइप से जब भी क्वेश्चन आए तो उसको तोड़ने का प्रयास कीजिए, हालांकि वहां पे आप ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए ये सबसे बड़ा वाला त्रिभुज है, सबसे बड़ा वाला त्रिभुज का आपने मन में करना है, इसके अंदर दो त्रिभुज है जो कि स्पर्श कर रहा है, तो दोनों त्रिभुज से तो हमारा चार इससे आठ हो गया, और एक सबसे बड़ा यानी नौ हो गया, नौ के बाद यहां से फिर गिन लीजिए इससे दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह, यानी त्रिभुजों की संख्या इसमें कितनी हो गया, पंद्रह हो गया। देखिए कैसे, मान लीजिए एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस, ये तो आपको एकदम क्लियर दिख रहा है। दस के बाद यहां पे देखिए आप दो दो का ले लीजिए, यहां से यहां यहां इस एक त्रिभुज यहां हो गया, एक त्रिभुज हमारा यहां से यहां हो गया बारह, यहां हो गया बारह, एक त्रिभुज हमारा यहां से यहां हो गया हमारा एक यहां हो गया तेरह हो गया, एक त्रिभुज हमारा देखिए यहां से यहां ऐसे देख रहे हैं ना, एक त्रिभुज यहां से हो गया चौदह हो गया, और एक त्रिभुज टोटल हमारा बड़ा वाला हो गया, तो पंद्रह हमारा त्रिभुजों की संख्या हो जा रहा है, एंड टोटल हमारा त्रिभुजों की संख्या कितना हो गया, पंद्रह। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला टाइप क्या चीज है, आगे हमारा देखिए टाइप नंबर सिक्स हो जाएगा, इसे मिटा देते हैं, टाइप नंबर सिक्स। अरे यार अच्छा क्यों नहीं चलता है, हाँ आगे देखिए हमारा क्वेश्चन किस टाइप से आ जाएगा। मान लीजिए यदि क्वेश्चन किस टाइप से आ जाए, अभी हम लोग त्रिभुज पर ही चलेंगे, त्रिभुज का ही यह पार्ट दो चल रहा है। देखिए कैसे किया है,
एक जगह यहां पर कर दिया है और एक जगह यहां पे, ऐसे ऐसे और एक ऐसे। और एक ऐसे लेकर चला गया है दोस्तों, दो तीन, और ऊपर में भी वही हाल सेम कर दिया है। देखिए देखिए कुछ नहीं किया है, देखिए बनाने में थोड़ा सा मिस्टेक हो जा रहा है, वैसे नहीं करना है, थोड़ा सा अच्छा लगे समझ में आते, हालांकि हमको फिगर बनाने नहीं आता है। दोस्तों एक यहाँ कर दिया, यहाँ कर दिया, कितना लाइन खींच रहा है, एक यहाँ से यहाँ, ठीक है, और एक हमारा यहाँ से यहाँ, ठीक है, ये तो अच्छा लग रहा है। हाँ, एक इससे एक कोना मिला दिया है और इससे एक कोना मिला दिया है। आ गया एक दो तीन, एक दो तीन, हाँ बस हो गया। अब इसमें पूछ देगा दोस्तों यदि कि त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो बताइए कैसे ज्ञात कीजिएगा। देखिए इसमें पूछ देगा त्रिभुजों, हालांकि आप गिनिएगा, गिनिए एक दो तीन चार पांच छह सात नौ, नौ हो जा रहा है दोस्तों। तो देखिए इसमें त्रिभुजों की संख्या नौ ऐसे हुआ। अब एक देखिए आप दो दो को मिलाकर आप लीजिए, अब देखिए यहां से यहां और ऐसे, ये हमारा कितना हो गया, नौ प्लस एक यानी दस हो गया। दस के अलावा एक यहां से देखिए, फिर एक यहां से चलिए ऐसे ऐसे और ऐसे, प्लस वन ग्यारह हो गया। अब एक यहां से ई कोना से चलिए, यहां से ऐसे और ऐसे, प्लस एक ऐसे हो गया, और टोटल एक त्रिभुज मेरा बड़ा वाला हो गया यानी प्लस वन बराबर तेरह, नौ दस ग्यारह बारह तेरह, हाँ तेरह सही है। तो देखिए लेकिन वहां पे मान लीजिए यदि इसको संख्या को बढ़ा दे और विस्तृत कर दे तो ऐसे स्थिति में कैसे निकालेंगे। तो देखिए इसके लिए भी हम ट्रिक लगाएंगे, ट्रिक क्या चीज है देखिए, ट्रिक देखिए, सबसे पहले इसको हम बोल सकते हैं मतलब समरूप त्रिभुज, समरूप नहीं मतलब समान है, चारों तरफ इसकी जो त्रिभुजों की संख्या है वह समान है। कहने का मतलब है देखिए यदि आप ए लाइन में गिनिएगा इसमें तो त्रिभुज देखिए एक दो तीन, यानी त्रिभुज एक दो तीन, यदि इस लाइन में गिनिए तो ये देखिए ए त्रिभुज ए त्रिभुज ए त्रिभुज, तीन इधर भी है। यदि आप इस लाइन की बात करें तो एक त्रिभुज दो त्रिभुज तीन त्रिभुज, मतलब सभी तरह त्रिभुजों की संख्या जो बन रही है वह एक समान बन रही है। तो ऐसे स्थिति में जब एक समान बने, चाहे वह चार बने पांच बने छह बने, तो एक ट्रिक देखिए वहां पे आप थोड़ा सा लगा दीजिए। हालांकि यदि छोटा रहेगा, मान लीजिए इतना परसेंट रहता तो आप आसानी से गिन लेते हैं, यहां तक तीन तक भी आप गिन सकते हैं, लेकिन मान लीजिए यदि चार पांच छह सात दे दे तो ऐसे स्थिति में कैसे गिनिएगा। तो देखिए एक ट्रिक, हमारा तीन तक दिया हुआ है, एक दो तीन, ठीक है दोस्तों। देखिए करना क्या चीज है, ऊपर को जस्ट दस कर देना, लिख देना है। अब ऊपर लिख दिए तो ऊपर वाला इसमें एक प्लस दो कीजिए, कितना हो जाएगा दोस्तों तीन। अब तीन में तीन जोड़ दीजिए, आपका कितना हो जाएगा छह, ठीक है दोस्तों छह हो गया हमारा, छह तीन नौ एक दस, इसको दस जोड़ दीजिए, दस जोड़ कर लिख दीजिए प्लस। अब उस समय तो आप ऊपर से चले थे, अब नीचे से चलिए, लेकिन उस समय मान लीजिए आप ऊपर से चले थे, यहाँ एक जोड़े थे, एक प्लस तीन प्लस छह यानी दस आया आपका। अब नीचे से चलिए, नीचे वाला छोड़ दीजिए, मतलब एक छोड़कर एक जोड़ना है, फिर एक छोड़ना है एक जोड़ना है ना है। तो मान लीजिए आप सबसे नीचे वाला के छोड़िए, तो जोड़िएगा क्या, तीन प्लस एक को छोड़िए, फिर एक को छोड़िए, उसके बाद कुछ है ये नहीं है, तो जीरो लिख दीजिए ना, तो आपका कितना आया हमारा आंसर, यानी दस प्लस तीन तेरह, यानी इसका सही आंसर हमारा तेरह। ऐसे भी निकाल सकते हैं बस ट्रिक से, इतना गिनने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए फिर से आपको इसको समझाते हैं, इस ट्रिक को देखिए। सबसे पहले आप साइड साइड से देख लीजिए कि त्रिभुजों की संख्या समान है कि नहीं। तो देखिए एक दो तीन, एक दो तीन,
एक दो तीन, यानी सभी तरीका से समान है, त्रिभुजों की संख्या यानी कितना समान है तो तीन तक है भाई, तो तीन तक से एक दो तीन, ठीक है तीन तक कीजिए, कुछ मत कीजिए, अब आगे इसको प्रोसेस कीजिए, एक को जैसे के तैसे छोड़ दीजिए, उसके बाद एक में दो को जोड़िए, दो और एक तीन, उसके बाद जितना है ना तीन में फिर तीन को जोड़ दीजिए, यानी तीन में तीन को जोड़ेंगे तो हमारा छह आ जाएगा। अब टोटल को आप जोड़ दीजिए दोस्तों, टोटल यदि जोड़िएगा तो हमारा दस आएगा, लेकिन इतना पर ही नहीं रुकना है, ये दस हमारा आ गया है, ठीक है दस आया है, लेकिन इसमें देखिए हमें अब एक नीचे, अब नीचे से चलना है, जो हम लोग आया है यानी इसको छोड़ दीजिए, इसको जोड़िए दस प्लस तीन, फिर एक छोड़िए, यदि आगे और कुछ रहता फिर उसको जोड़ते हैं, लेकिन आगे कुछ है ये नहीं है, इतना पर ही जोड़िए, आपको तेरह इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इसमें हम और आगे बताएंगे, ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं समझ में, अब आगे देखिए हम लोग चार खाना वाला मतलब बनाते हैं, देखिए ज्यादा कुछ नहीं, इसी को मॉडिफाई कर देते हैं, और कैसे, हाँ नहीं नहीं गलत हो गया, देखिए वही प्रोसेस है, अब पूछ लेगा दोस्तों कि इसमें त्रिभुजों की संख्या बढ़ा बताइए, यानी इसमें देखिए बढ़ गया है तो आप कैसे तो जोड़िएगा नहीं, हालांकि आप देखिए इसमें जोड़ने लगेगा तो एक तो मतलब गिनने नहीं पाएगा, मतलब गिनने में आपको काफी समय लगेगा, गिन लीजिएगा जरूर गिन लीजिएगा, लेकिन समय काफी लगेगा, तो फिर वही अपना ट्रिक चलेगा, अपना बाबा जी का ट्रिक है, उसी को हम लोग लागू करेंगे, साइड से पहले गिन लीजिए कि बराबर है कि नहीं, एक दो तीन चार, हाँ ये बराबर है, अब इधर से गिनिए एक दो तीन चार, ये भी बराबर है, अब इधर से गिनिए एक दो तीन चार, यानी चारों तरफ से तीनों तरफ से बराबर है, यानी इसमें हम अपना ट्रिक लगाएंगे, देखिए क्या था मेरा ट्रिक, फिर से समझिएगा, एक दो तीन चार, चूंकि चार तक है इसलिए हम टोटल लिख लिए, अब देखिए बोले क्या है, पहले जैसे के तैसे लिखिए, उसके बाद पहला में इसको जोड़िए दो और एक तीन, उसके बाद दूसरा में तीसरा जोड़िए तीन और तीन छः, उसके बाद ए छः और चार को जोड़ दीजिए, हमारा आ जाएगा दस, टोटल इसको आप जोड़िए दोस्तों तो दस छः सोलह, सोलह और तीन उन्नीस और एक बीस आ गया, लेकिन यहाँ बीस पर ही छोड़ना नहीं है, इसके आगे भी हम लोग तो लिखेंगे, बीस आ गया बीस, अब अगला मेरा प्रोसेस क्या है, एक छोड़िए इसको लिखिए, इसको छोड़िए इसको जोड़िए, देखिए दस को हम लोग छोड़ दिए और इसको जोड़ देंगे प्लस छः, प्लस तीन को छोड़ देंगे प्लस वन जोड़ देंगे, टोटल हमारा त्रिभुजों की संख्या सताइस हो गया इसमें, यानी त्रिभुजों की संख्या कितना हो गया दोस्तों सताइस, तो अगर इसमें मान लीजिए और आगे बढ़ल रहता तो हम और आगे बढ़ाते, लेकिन फिर से इसको पहले समझा देते हैं, देखिए दोस्तों चारों तरफ से हमने गिन लिया, हमारे चारों तरफ से चार चार त्रिभुज बन रहे, एक दो तीन चार, तो ऐसी स्थिति में देखिए गिनना संभव है लेकिन काफी समय लगेगा, इसीलिए हम देखिए ट्रिक पर चलते हैं, मेरा ट्रिक क्या है, जितना हम लोग गिने हैं उसको लिख लेंगे एक दो तीन चार, ठीक है, उसके बाद ऊपर से चलेंगे इधर, तो पहला जस के तस लिख देंगे, एक के एक लिख देंगे, उसके आगे कीजिए एक और दूसरा, पहला इधर वाला पहला इधर वाला दूसरा जोड़िए, एक और दो तीन, फिर तीन और तीन छः, फिर छः और चार दस, अब इतना कर लेंगे दोस्तों, अब इतना जो है टोटल आप जोड़ लीजिए, आप जोड़िए इसको टोटल, टोटल जोड़िएगा बीस आएगा, लेकिन अभी नहीं हुआ है प्रोसेस, 20 हो गया, उसके बाद फिर इधर से चलिए, एक छोड़िए एक जोड़िए, एक छोड़िए एक जोड़िए, यानी 20 था, यानी यहाँ पे 10 छोड़ दिए, फिर 6 जोड़े, फिर 3 छोड़ेंगे, फिर 1 जोड़ेंगे, देखिए 6 और 1 27, ऐसे स्थिति में देखिए काफी आसान मेथड है और काफी यह कारगर भी है, यानी कह के एग्जाम में देखिए आपको टाइम की काफी बचत करेगा। अब आगे देखिए यदि इसमें और बढ़ा, देखिए चार तक से तो मान लीजिए कर लिए, यदि इसमें और आगे ऐसे बढ़ा देता ऐसे, यानी कि ऐसे करता
ठीक है, इससे ऐसे हो जाता, फिर ऐसे और फिर ऐसे और ऐसे। तो ऐसा स्थिति में देखिए आप कैसे करते थे, एक दो, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है, यहाँ नहीं आएगा, देखिए ये, हाँ देखिए ऐसा स्थिति में अब हम बढ़ा दिए, एक दो तीन चार पांच, पांच इधर से, एक दो तीन चार पांच, पांच इधर से भी हो गया, एक दो तीन चार पांच, पांच इधर से भी हो गया। आप लोग इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं, लेकिन मेरा काम है इसको समझाना। देखिए हम फिर से इसको समझाएंगे ही समझाएंगे। देखिए इधर करे चमक, हाँ इधर देखिए, यहाँ पे हमारे देखिए पांच पांच टोटल, क्योंकि चारों तरफ से पांच पांच है, इसलिए इसको हम लोग लिख लेंगे एक दो तीन चार पांच। एक मिनट हमको देखने दीजिए, चमक तो नहीं रहा है। चलिए चमक नहीं रहा है, लेकिन इधर भी जगह है काफी। देखिए इधर भी करते हैं, पांच है मेरा। देखिए ट्रिक क्या कहता है कि पहले को जस के तस लिखिए, यानी पहला एक के एक ही लिख दिए, उसके बाद इसको जोड़ दीजिए आप, एक और दो जोड़िएगा तो आपका तीन आ जाएगा, फिर ये तीन और तीन को जोड़िएगा तो आपका छह आ जाएगा, फिर छह और चार को जोड़िएगा तो आपका दस आ जाएगा, और दस और पांच को जोड़िएगा तो आपका पंद्रह आ जाएगा। अब इतना करने के बाद टोटल को जोड़ दीजिए, पंद्रह दस पच्चीस, पच्चीस और छह इकतीस, इकतीस तीन चौतीस और एक पैंतीस, पैंतीस हो गया, ठीक है। लेकिन इतना पर छोड़ना नहीं है, प्लस अब देखिए अब हम लोग नीचे से चलेंगे, ये वाला नीचे से एक छोड़ेंगे, इसको लिखेंगे, फिर इसको छोड़ेंगे, इसको लिखेंगे, और फिर इसको छोड़ेंगे, उसके बाद आगे है ये नहीं। तो देखिए हमको नीचे वाला को छोड़ दिए पंद्रह को, और प्लस दस किए, अब उसके ऊपर इस छह को छोड़ दीजिए, अब तीन को प्लस कीजिए, और उसके ऊपर है ये नहीं है, इसको आप जोड़िएगा तो पैंतीस दस पैंतालीस, यानी फोर्टी एट, अड़तालीस त्रिभुजों की संख्या इसमें है। अब जोड़ते रहिए, इतना यदि आप गिनते रहिए तो काफी समय लगेगा, लेकिन ये ट्रिक काफी अच्छा है। देखिए फिर से थोड़ा सा मिला रहे हैं, एक दो, देखिए फिर से देख लीजिए, एक फिर दो, एक तीन, तीन तीन छह, छह चार दस, और दस पांच पंद्रह। यदि टोटल को आप जोड़िए तो पंद्रह दस पच्चीस, तीन अट्ठाईस, उन्तीस छह पैंतीस हो जाएगा, पैंतीस। अब हम लोग सेकेंड नियम पे चलेंगे, एक छोड़िए एक जोड़िए, एक छोड़िए एक जोड़िए, तो जिसमें से हम पंद्रह को छोड़ते हैं, दस को जोड़ते हैं, छह को छोड़ते हैं, तीन को जोड़ते हैं, तो आप यदि इसको जोड़िएगा तो आपको त्रिभुजों की संख्या टोटल 48 का 48 आ जाएगा, यानी 48 आएगा। तो चलिए दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। दोस्तों देखिए यह रीजनिंग का जो हमारे त्रिभुजों की संख्या वाला है यह समाप्त होने चला है। अब हम लोग आगे दूसरी चीज पर देखेंगे, जैसे वर्ग गिनना रहता है, वर्ग दे देगा, आयत दे देगा, उस टाइप से गिनना रहेगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो अच्छे लगे होगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।